जाते हैं। तो आज जो दुविधाग्रस्त मन प्रश्न कर रहा है, ऐसा प्रश्न बहुत सारे लोगों की तरफ से आया है, बहुत सारे। और ये प्रश्न क्या है? यह प्रश्न है कि कितनी बार राम का नाम लिखने से राम प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न सुनते हैं और उसके बाद उसके उत्तर की यात्रा पर चलेंगे। जय जय श्री सीताराम। दास अनुदास गोविंद रामानुजन दास, दास आसाम से, मेरा घर आसाम है समझी। दास का एक इच्छा है बहुत दिन से, मैं भगवान शालिग्राम का सेवा करता हूँ। घर में राम लाला का दरबार है, चित्रपट है, एक फोटो है, उनके सामने भगवान शालिग्राम का सेवा करता हूँ। नेपाल गंडकी से लाई हुई शालिग्राम थी। और दास का भी बहुत दिनों से एक ख्याल आ रहा है जो मैं हर रोज करने की कोशिश करता हूँ लेकिन निरंतर नहीं कर पाता हूँ। मुझे कम से कम 1 करोड़ का नाम, राम नाम का जप करना है, निरंतर करना है। लेकिन मेरा यहाँ पर ऐसा अनुकूल परिवेश नहीं है और परिस्थिति नहीं है, और घर में भी दास अकेला है, मम्मी और मैं रहता हूँ, माता जी और मैं रहते हैं और कोई नहीं है। तो एक बहुत बड़ा दिल में एक चाह बन चुकी है कि राम नाम का 1 करोड़ का मतलब कहीं पर ऐसा जगह मिल जाए, कहीं पर ऐसा स्थान मिल जाए और उसको करने को मौका मिल जाए। भगवान की अगर कृपा हो, आचार्य की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, इसी का मार्गदर्शन करिए प्रभु मुझे कहीं से। फिर हर हनुमान जी को भी अर्जी लगाइए। मेरा ये सवाल है कि मुझे 1 करोड़ का राम नाम का जप करना है, तो इसको मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? क्या पर डे बेसिस में इसको मैं कर सकता हूँ या ऐसा कोई विधान नहीं है? अगर ऐसा कुछ विधान है, पर डे किया जा सकता है, किस टाइम करने से अच्छा होता है और किस तरीके से किया जा सकता है, और इसको आरंभ कैसे करना है, इसका संकल्प कैसा होना चाहिए या कैसे किया जा सकता है? अगर बीच में कभी कभार कुछ कारण से गृहस्थ में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो 1-2 दिन अगर छूट गया नियम तो इसमें क्या हो सकता है, इसको विस्तार रूप से बताने का प्रयास करें। जय जय श्री सीताराम। सबसे पहले मैं इस प्रश्नकर्ता के आरंभिक टुकड़ों को उठाऊंगा। इनका उद्देश्य तो है कि राम का नाम 1 करोड़ बार लिखना है और उससे पहले कई दुविधाओं ने घेर लिया। पहली दुविधा तो किस स्थान पर बैठकर लिखो, घेर गए ना, देखो मन कैसा घेरता है कि किस स्थान पर बैठकर लिखूं मैं। एक दुविधा, एक मुझे छोटा सा चुटकुला याद आता है तो चुटकुला, लेकिन वास्तव में वह दुविधाग्रस्त मन का बड़ा परिचायक है। एक रोगी वैद्य जी के पास गया, उन्होंने उसे चूर्ण दिया कि भाई ये चूर्ण खा ले और तू ठीक हो जाएगा। वह वैद्य जी की कुटिया से बाहर निकला ही था कि तभी भीतर आया और बोला कि आपने कहा ये चूर्ण दूध से खाना है, तो मुझे बताइए गाय का दूध हो, भैंस का हो या बकरी का हो, किसका दूध? वैद्य जी ने कहा कि भाई अरे तू किसी का भी दूध ले ले। उसने कहा नहीं, किसी का नहीं, आप बताइए किसका। वैद्य जी ने कहा तेरे पास उपलब्धता किस चीज की है, कौन सा दूध तुझे मिल सकता है? तो उसने कहा कि मेरे को तो भैंस का दूध मिल सकता है, भैंसों के बीच हम रहते हैं, खूब भैंसे हैं वहां पर। तो वैद्य जी ने कहा अच्छा तू भैंस के दूध से दवाई ले। अब वो थोड़ी देर में फिर वापस आ गया, कहने लगा जी भैंस के दूध से दवाई ले, भैंस काली हो या सफेद हो? तो वैद्य जी बोले भाई कैसी बात करता है, अरे भैंस तो सारी काली देखी है हमने, तो भैंस के दूध से दवाई ले। वो फिर बाहर चला गया तो बोला कि वापस आकर की दवाई ये बैठ कर लेनी है या खड़े होकर लेनी? वैद्य जी ने कहा दवाई लेनी है तो कैसे भी ले ले। चला गया, फिर वापस आया, बोला ये सुबह लेनी है या शाम को लेनी है? अब ये द्वंद्व ग्रस्त मन बार 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 चिकित्सक के पास आए, बार बार आए और हर चीज को सुस्पष्ट कर लेना चाहता है, लेकिन चीजें फिर भी साफ नहीं होती। वैद्य जी कह रहे कि भाई असली चीज दूध है, तो दूध के साथ औषधि ले, दूध बैठ के ले, खड़े होकर ले, लेट कर ले, कैसे मर्जी ले, पर दूध के साथ ले। उसे असली बात समझ में ही नहीं आ रही, समझ में ही नहीं आ रही।
और यही बात यहाँ पर होती है, जैसे किस स्थान पर बैठकर राम का नाम लिखो, बड़ी समझने वाली बात। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, क्योंकि सवाल किसे कि कौन सी दिशा हो, ईशान कोण पर बैठे, दक्षिण द्वार की तरफ मुंह नहीं करते, पश्चिम की तरफ पीठ नहीं करते, उत्तर की तरफ टांग नहीं करते, मार हजार तरह के सवाल कि किस दिशा में मंदिर का मुख होना चाहिए। अरे भाई घर होना चाहिए सबसे पहले, तो दिशाएं विशाएं छोड़ो, घर ही नहीं मिलता यहाँ पर, तुम्हें दिशाओं की पड़ी है। तो पहला अटकाव, पहला द्वंद्व कि किस स्थान पर बैठकर करें, करा नहीं है, करने का भाव भी नहीं उठाया अभी, अभी तो गणित बिठा रहे हैं, घटा जमा गुणा भाग अभी यही चल रहा है। अरे भैया किसी भी स्थान पर बैठकर कर लो, करो तो सही, करो तो सही। अब दूसरा द्वंद्व आ गया इनका कि अगर बीच में छूट जाता है राम का नाम लिखना, ब्रेक आ जाता है, तब क्या करें, मतलब अभी लिखना शुरू ही नहीं किया, पहले ही सारा गणित बिठा रहे हैं, लिखना तो शुरू करो, बीच में अगर कोई अटकाव आ जाए, कोई बाधा आ जाए, कोई ब्रेक आ जाए, कोई बात नहीं, फिर शुरू कर देना। अब तीसरी बात, असली बात, 1 करोड़ बार राम का नाम लिखना है, 1 करोड़ की संख्या राम जी के आगे क्या है बता, तारे जब हम गिन ही नहीं सकते तो कहते हैं अनंत, 1 सौरमंडल के तारे ही नहीं गिन सकते, और 1 आकाशगंगा में अरबों खरबों सौरमंडल हैं, कर लो गिनती, जिन्हें हम 1 करोड़ कहते हैं ना, ये धरती के वासी, हमें लगता है 1 करोड़ बहुत बड़ी चीज है, राम जी के यहाँ तो 1 करोड़ का कोई हिसाब है ही नहीं कहीं पर, 1 करोड़ तो कहीं ठहरता ही नहीं, और तुम 1 करोड़ बार। ऐसे ही एक भक्त मुझे मिले, कहने लगे कि मैंने राम का नाम 10 लाख बार लिखा है, 10 लाख, छाती चौड़ी हो गई थी, मस्तक बिल्कुल खड़ा हो गया था, एकदम गर्व से उन्नत, कहते 10 लाख बार मैंने राम का नाम लिखा है, और उन्होंने उन पोथियों की फोटो खींची हुई थी वो भी दिखाई, राम के नाम लिखे हुए की, कहते ये देख लीजिए कि हमने राम नाम के बैंक में जमा भी करा दी है, 1 लाख बार, 10 लाख बार, 10 लाख बार लिखा। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा एक बात मुझे बताइए, आपको पता कैसे लगा कि 10 लाख बार आपने लिखा है? वो बोले जब मैं लिखता था तो साथ साथ चावल के दाने रख लेता था, चने के दाने, जैसे ढेरी बना दी मैंने तो 10, जब मैंने राम के नाम लिख दिए तो 10 चावल की ढेरी अलग कर दी, इस तरह से धीरे धीरे करके चावलों की ढेरी अलग करता गया, तो ऐसे करके मैंने 10 लाख बार लिखा। अब यहां समझ लीजिए, यहां चूक क्या हो रही है, भूल क्या हो रही है, राम के नाम पर तो ध्यान है नहीं, सारा ध्यान गणना पर है, कैलकुलेशन पर, ध्यान तो गिनती में ही लगा हुआ है, राम के नाम पर ध्यान थोड़ी ना है। अब ये जो 1 करोड़ बार राम का नाम लिखना चाहते हैं, गिनेंगे कैसे 1 करोड़ बार, कोई दाल के दाने रखेंगे, चने के दाने रखेंगे, गेहूं के दाने रखेंगे, कुछ कुछ ऐसी चीजें ही रखेंगे, और फिर लिखेंगे राम 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 राम, हाँ 10 हो गए, अब फिर चावलों के 10 दाने करेंगे, ये इधर इधर 10 दाने, अब वो जो 10 दाने गिनेंगे, वो 10 दाने गिनते समय राम थोड़ी ना बोलेंगे, तब तो गिनती बोलेंगे, 1 2 3 4 10, वहां राम का नाम नहीं बोला, वहां 1 2 3 4, वहां 10 बोला, फिर लिखेंगे राम राम राम। तो सारा कुछ जो राम का नाम है वो एक अकाउंट का गेम बन गया, अकाउंटेंसी का गेम, कि एक गेम खेल रहे हैं, खेल है कि राम का नाम कितनी बार लिखना है, और राम का नाम निष्फल गया, वो समय बेकार गया। ऐसे ही एक वक्त से मैंने कहा कि भाई तू राम का नाम लिखने से अच्छा एक काम कर, घर के पास तेरे सरकारी पार्क है, वहां पर तू एक काम कर, एक पेड़ लगाते जाकर,
बस उस एक पेड़ को लगा और वहां पर रोज सुबह आकर हाथ जोड़ दे, एक अगरबत्ती जला दे, पानी दे दे, धूपबत्ती जला दे, वो भी ना जलाए तो बैठ जा दो मिनट के लिए उस पेड़ के आगे, बैठना भी नहीं है तो खड़े खड़े नमस्कार कर दे और कहे कि राम जी प्रणाम, तेरा अरबों बार का राम नाम का फल तुझे मिल गया। तो उस एक पौधे को बड़ा कर, कहीं भी लगा, किसी भी जमीन पर लगा, उस पौधे को बड़ा करने की तैयारी कर। और फिर जब वो पौधा बड़ा होकर वृक्ष बनेगा तो जो जितने पत्ते उस पर आएंगे, हवाओं पर हिलेंगे, वे सब राम का नाम ही गाएंगे और वो सब तेरे खाते में चला जाएगा। देख ले कितना बढ़िया राम का नाम, और ये जाता ही रहेगा राम का नाम, क्योंकि उस पौधे के जो बीज ही रहेंगे पेड़ के, वो भी कहीं ना कहीं उगेंगे। तो देख तेरा राम का नाम कहां तक फैलगा। लेकिन ये राम का नाम नहीं लिखेंगे लोग, कंडीशन्ड माइंड है ना, उसकी जो कंडीशनिंग हुई पड़ी है उसके लिए वो कभी भी नहीं करेगा। वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित मन कभी भी ऐसा राम का नाम नहीं लिखेगा जो मैं बता रहा हूं। एक पौधा लगाए और उसे वृक्ष बनने तक उसकी सेवा करे, ये राम का नाम। ऐसे राम के नाम को क्यों लिखेंगे भैया, ये कोई राम का नाम हुआ? ये तो किसी शास्त्रों में नहीं लिखा, कोई मंदिर के पंडित पुजारी ऐसा राम का नाम नहीं बताते, और ये कैसा विचित्र राम का नाम बता रहे हैं। लोग इस राम के नाम को स्वीकार नहीं करेंगे, यही तो असली राम का नाम है। असली चीज की तरफ जाने से डर लगता है, क्योंकि असल चीज तो साधना करवाएगी, तपस्या करवाएगी, असल चीज हटकर होगी थोड़ी। अब वो हटकर तो नहीं होता ना। भगवान कृष्ण कहते ही है कि मेरी तरफ अनंत लोग बढ़ते हैं लेकिन सब छूट जाते हैं पीछे, केवल एक ही मुझ तक पहुंच पाता है। तो वह एक बनना तो बहुत मुश्किल है ना। इस तरह से 1 करोड़ बार राम का नाम लिखने से तो आप देश का भी समय नष्ट कर रहे हैं, समाज का भी, अपना भी, सबका समय नष्ट कर रहे हैं। अरे 1 करोड़ बार राम लिखना है तो नया तरीका, मत जाओ बाहर, तुम्हें शर्म आती है, अपने घर में ही झाड़ू पोछा लेकर सफाई करने लग जाओ राम का नाम ले लेकर। अब यहां अहंकार आएगा कि हम तो मर्द हैं, हम करेंगे क्या, और हमने तो घर में माइयां रखी हुई है काम करने की, हम करेंगे क्या। जो भी तुम्हारे जीवन के दैनिक काम हैं, उन काम को करते करते मन में राम का नाम लेते रहो, बस लग गई हाजिरी। असली हाजिरी तो ये है, ये 1 करोड़ के राम नाम की हाजिरी से राम जी को धोखा ना दे पाओगे, बिल्कुल अपने को खुद को धोखा दे लोगे, और दे रही है दुनिया। तो इस धोखेबाजी से बचिए, खुद को देने वाली धोखेबाजी से, क्योंकि राम को कोई धोखा नहीं दे सकता, ये जान लीजिए। जो भी हम धोखे देते हैं स्वयं को ही देते हैं, राम को नहीं। तो अपने को धोखों से बचाइए और इस तरह से राम नाम को लिखने का ख्याल ही मन से निकाल दीजिए। अब यहां एक बात और समझ लीजिए कि क्या राम का नाम लिखना गलत है। अभी जैसे मैंने कहा इस तरह से राम के नाम लिखने को निकाल दीजिए, वास्तव में यह राम का नाम जो लिखने का एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, ये परिकल्पना थी, ये किनके लिए थी ये समझ लीजिए। ये उनके लिए थी जो शरीर से बिल्कुल लाचार हो चुके हैं और जिनका मन करता है कि कुछ तो करे राम के लिए, शरीर साथ नहीं देता, बहुत बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग, अब खाली बैठे हैं, तो खाली बैठे बैठे क्या है, जिंदगी के दर्द, जिंदगी के दुख, वही सब निकल निकल कर सामने आते हैं, सताते हैं, बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है, पीड़ा होती है। तब ये एक परिकल्पना आई कि बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट है कि एक आपने एक कागज लिया और उस पे लिखा राम राम राम, इसका परिणाम क्या हुआ कि जो शरीर की सारी इंद्रियां जो शरीर के दर्द की तरफ भाग रही थी, उनका ध्यान वहां से हट गया और उनका ध्यान राम पर केंद्रित हो गया। हाथ लिख रहा है राम, आंखें देख रही है राम, गिनने का कोई वहां हिसाब किताब नहीं है, कोई नहीं है। वास्तव में जो राम नाम लिखने का अर्थ था वो उन लोगों के लिए था जो शरीर से असहाय हो चुके हैं, जो कुछ
कर नहीं सकते, अब बैठे हैं बस, जो सिर्फ बेड रेस्ट पर है, तो वहां पर वो इधर उधर का अपने दिमाग का कूड़ा कचरा ना निकालें, इसलिए राम का नाम। अब देखा होगा आपने अस्पतालों में लोग बेड रेस्ट पर लेटे हैं, सामने टेलीविजन चल रहा है, नहीं तो आजकल तो मोबाइल है, पूरा दिन न्यूज चैनल देख रहे हैं, कोई उठपटांग के सीरियल देख रहे हैं। उन लोगों के लिए था कि भैया एक कॉपी लो और राम का नाम लिखो, और नहीं भी लिख सकते तो राम का नाम बोलते जाओ बस, राम 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 या कुछ भी और नाम, जो नाम आपके मन को भाता है। गलत नहीं है राम का नाम, लेकिन गलत अर्थों में लोगों ने उसको लिखना शुरू कर दिया, गलत कॉन्सेप्ट में। जिनके लिए राम नाम लिखना व्यर्थ है, वे राम का नाम लिखने लगे। राम के नाम के बहुत सारे रूप हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि सेवा रूपी राम का नाम लिखो ना, धरती की सेवा करो, धरती ने तुम्हें जन्म दिया, शरीर दिया, उसके बदले धरती को एक वृक्ष दे दो,